सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से ऑन्टोनिम्स के ऊपर है। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि व्हाट इज ऑन्टोनिम्स। एन ऑन्टोनिम्स इज अ वर्ड विद एन ऑपोजिट मीनिंग ऑफ एन अदर वर्ड काले ऑन्टोनिम्स। इट्स मीन के एक वर्ड जब उसका ऑपोजिट मीनिंग फाइंड किया जाता है वो ऑन्टोनिम्स कहलाता है। ये दो तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर डाला जाता है। मेन टू से के या तो वो कहते हैं चूज ए ऑपोजिट मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, के ऑपोजिट वर्ड इन चारों ऑप्शंस में से फाइंड करें। एक तो इस तरह पूछा जाता है, दूसरा वर्ड पूछा जाता है कि मेक ए ऑन्टोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, के ऑन्टोनिम्स रखें। मतलब ये कि दो तरह से आपको लॉ एडमिशन टेस्ट में ये पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिनोनिम्स हैं, ऑन्टोनिम्स हैं या प्रेपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि बाज़ अवकात वो ऑन्टोनिम्स का वर्ड यूज़ नहीं करते, ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जहन में रहे कि कन्फ्यूज नहीं होना कि वो ऑपोजिट वर्ड अगर पूछते हैं तो उसका मतलब भी ऑन्टोनिम्स ही है, और अगर ऑन्टोनिम्स का वर्ड पूछते हैं तो उसका मतलब भी ऑपोजिट ही है। मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है, आपने सिर्फ उसका ऑन्टोनिम्स फाइंड करना है जो कि उसका आंसर कहलाएगा। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग व्हाट इज ऑन्टोनिम्स। एंड ऑन्टोनिम इज ए वर्ड विच एन ऑपोजिट मीनिंग ऑफ एन अदर वर्ड। मतलब ये कि एक वर्ड आपको दिया जाता है और नीचे चार ऑप्शन होते हैं, आपने जो बाहर पूछा गया वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड उन चार ऑप्शन में से फाइंड करना है। अब छोटी सी एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ऑपोजिट की क्या है, अगर कूल्ड है तो उसका ऑपोजिट बनेगा हॉट, अगर डे है तो उसका ऑपोजिट होता है नाइट, हैप्पी है तो उसका ऑपोजिट सैड, अगर बिग है तो उसका ऑपोजिट होगा स्मॉल, अगर रिच है तो उसका ऑपोजिट पुअर, या अप है तो उसका ऑपोजिट डाउन होगा। अब ये चीज है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपने जब ऑन्टोनिम्स करना है तो आपने ऑपोजिट वर्ड को फाइंड करना है, ठीक है। लाइक डे है तो नाइट है, ब्लैक है तो वाइट है, ठीक है, पुअर है तो वो रिच है, लाइक ऑपोजिट आपने फाइंड करना है ताकि आप इसको कवर कर पाए। अब इसी तरह ऑन्टोनिम्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट में होते हैं, ठीक है, एक वर्ड जो कि आता है सामने, आपने उसका फाइंड करना है चार ऑप्शंस में से ऑन्टोनिम्स। जो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके कार को अपनाते हुए इस पोर्शन में अबूरियत हासिल करें। जब आप ऑन्टोनिम्स करते हैं तो आपके जहन में एक चीज ये क्लियर कट हो कि जो वर्ड आपको दिया गया है एज ए फाइंड करने के लिए, लाइक एक वर्ड है तो आपने उसको कैसे बनाना है, तो आप एक चीज देखेंगे कि उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। लाइक फर्स्ट जो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताया उसका पहला प्रोनाउंसिएशन का वर्ड और लास्ट जहां से वो इख्तिताम हो रहा है, इसी तरह फाइंड मैच करते हुए आपने देखेंगे। ये बाज़ुकात जो वर्ड पूछे जाते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड पूछे जाते हैं, बाज़ुकात नेगेटिव पूछा जाता है, बाज़ुकात पॉजिटिव पूछा जाता है, लेकिन 90% जो चीज़ ऑन्टोनिम्स में पूछी जाती है, जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है और आपने उसका नेगेटिव ही फाइंड करना है। ये कैसे है, थ्रू प्रैक्टिस। और कितने नंबर का ये पोर्शन लॉ एडमिशन टेस्ट में आता है, वो आता है 5 नंबर का पोर्शन। 5 नंबर का पोर्शन आता है ऑन्टोनिम्स की मद में, ठीक है, जिसको कवर कैसे किया जाता है, थ्रू बुक्स, थ्रू मटेरियल। सिर्फ इसका एक छोटा सा क्लू जो आप लोगों के सामने है कि इसको ऑपोजिट बनाते कैसे हैं, ठीक है, जो फाइंड वर्ड आपके लिए रखा जाता है आपने उसको अच्छे तरीके से देखना है और नीचे वाले ऑप्शन जो चार हैं उसके साथ मैच करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि जो वर्ड वो पूछते हैं आपने वो वर्ड पहली दफ़ा सुना होता है, आपको पता ही नहीं होता कि उस वर्ड का मतलब भी क्या है, क्योंकि पहली दफ़ा आपकी आंखों के सामने वो वर्ड आता है। फिर उसका हल क्या होता है कि जो नीचे चार ऑप्शन आपको बताए गए हैं आपने उन चार ऑप्शन में से एक एक वर्ड को देखना है और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। लाइक कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका आपको मतलब पता है,
ठीक है, तो अगर आप उसके साथ मैच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इन चार ऑप्शन में ये एक वर्ड है जो आपको आता है, इसका मीनिंग का पता है और इसका मीनिंग का नहीं पता है। इस तरह आप आसानी से उस चीज़ को कवर कर लेंगे। थैंक यू।